नमस्कार, मैं हूं डेजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। नेपाल पुलिस ने बॉर्डर पर फिर चलाई गोलियां, भारतीय युवक की हालत गंभीर। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल की ओर से चलाई गई फायरिंग में एक युवक के घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बिहार के किशनगंज में रविवार को नेपाल पुलिस ने 3 नागरिकों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें एक युवक घायल हो गया। वही घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशनगंज एसपी ने जानकारी दी है कि इस मामले में जांच की जा रही है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 7:30 बजे 3 युवक भारत नेपाल सीमा के नजदीक अपने मवेशी ढूंढने के लिए गए थे, जहां नेपाल पुलिस के सिपाहियों ने इस पर अचानक फायरिंग कर दी। 3 में से एक युवक को गोली लग गई, जिसके चलते वे घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को किशनगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल का पूर्णिया में इलाज चल रहा है और उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से ही सीमा पर सशस्त्र सीमा बल अलर्ट पर है। वहीं दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक भी हो रही है। बता दें कि नेपाल की तरफ से हो रही ये दूसरी घटना है। इससे पहले भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा करने वाली नेपाल आर्म फोर्स ने पिछले माह बिहार के सीतामढ़ी में एक झड़प के दौरान गोलीबारी कर दी, जिसमें कि एक भारतीय की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए थे। ये घटना ऐसे समय हुई है जब भारत के साथ नेपाल का सीमाओं के निर्धारण को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं नेपाल ने संसद में पास नक्शे में भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपना हिस्सा बताया है, जिसे भारत खारिज करता रहा है। बता दें, भारत ने पिछले वर्ष 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद नवंबर में अपना नया नक्शा जारी किया था। नेपाल ने भारत के इस नक्शे पर आपत्ति जताते हुए भारत के कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को अपना हिस्सा बताया है। इसके बाद नेपाल ने जून में संविधान में संशोधित कर इन 3 भारतीय हिस्सों को अपना बताया और नया नक्शा भी जारी किया। भारत की ओर से नेपाल के इस कदम पर कड़ा विरोध किया गया और इस बात पर भी आपत्ति जताई गई। इसके बाद से ही नेपाल भारत को लेकर कई विवादित बयान भी दे चुका है। वहीं इसके साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। और खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए गपशप न्यूज़ पर।